हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनअकैडमी. लेट्स क्रैक JEE स्टूडियो. माई सेल्फ अजय सिंह शेखावत. मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से. टोटल मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है 6 ईयर का और अभी तक मैं 20+ NTSC स्कॉलर को मेंटर कर चुका हूँ. ठीक है, ओके. आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिकल रीजनिंग. ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग में जो भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, ठीक है, स्टेज वन में तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम ही पूछी जाती हैं, बट स्टेज टू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, स्टेज टू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हर साल 5 से 6 प्रॉब्लम्स इसके ऊपर डेफिनेटली पूछी जाती हैं. ठीक है, और वो प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आप सिंपल मैथ्स लगा के कर सकते हो. ठीक है, इसके अंदर मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा होगा. ठीक है, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी होगी. ठीक है, आपको पाइप्स एंड कंस्टेंट की प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी, आपको बोर्ड्स वगैरह की प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी, टाइमिंग की प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी. ठीक है, तो इसके अंदर मैथ्स ज़्यादा होगा, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होगा. ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस के टॉप एजुकेटर्स के बारे में. ठीक है, आप जहाँ भी कभी भी पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ का कोचिंग का मतलब फैकल्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं. उन्होंने किन को मेंटर किया, उन्होंने कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन दिए. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन पिक्स के अंदर मोहम्मद कासिफ सर हैं, मनोज सर हैं, विनीत खत्री सर हैं. ये फैकल्टीज पिछले 10-12 साल से टॉप IITians को मेंटर करते हुए आए हैं. ठीक है, इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है फॉर IIT JEE के लिए. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टाइम टू टाइम अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होती रहती हैं. ठीक है, उन स्पेशल क्लासेस का आप 2 तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं. पहला फ़ायदा, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप इन स्पेशल क्लासेस के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं. सेकंड थिंग, आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर आपने अनअकैडमी प्लस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको एज ए डेमो ले सकते हैं. ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, मतलब डिस्कस कर सकते हैं. आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी अनअकैडमी प्लस आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए. ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस एग्ज़ाम के टाइप के, उस पैटर्न के आप जितने ज़्यादा हो सके पेपर दो, जिससे आप उस पैटर्न के हैबिचुअल हो जाएं. ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है जो कि वीकली टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देगा. चाहे आप 11th क्लास में हो तो उनके लिए अलग से टेस्ट पेपर हैं, 12th क्लास के लिए अलग से हैं और रिपीटर बैच के लिए अलग से हैं. ठीक है, अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का. अगर आपको बैचेज वगैरह भी ज्वाइन करने हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. और अनअकैडमी प्लस जो है वो टाइम टू टाइम क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता है JEE मेंस के लिए. ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे प्लस पॉइंट्स लिखे हैं अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहला प्लस पॉइंट है फ्लेक्सिबल शेड्यूल. ठीक है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल मतलब आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं. दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, लाइव सेशन मिस हो जाता है, तो वो जो लेक्चर है, वो कोर्स जो है, वो अनअकैडमी प्लस पे स्टोर रहता है. ठीक है, उसको आप बाद में भी देख सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग है लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस. ठीक है, यहाँ पे जो एजुकेटर्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, तो आपको लैंग्वेज की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. तो अनअकैडमी पे आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाई जाएगी DPPs के फॉर्म के अंदर. ठीक है, क्विजेज वगैरह के फॉर्म के अंदर. ठीक है, उसके अलावा भी अगर हम बात करें, सीट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी टाइम टू टाइम. ठीक है, उसके अलावा टेस्ट पेपर जो मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया ही था. ठीक है, ओके. क्लासरूम का फील लेने के लिए आप एजुकेटर से तुरंत बात भी कर सकते हैं. ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो उनसे पूछ सकते हैं, किसी चीज़ को दोबारा रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं. ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे आपने KBC में देखा होगा ऑडियंस पोल होता है, यहाँ पे भी इंटरेक्टिव पोल होता है. ठीक है, लर्न एनी टाइम एनी वेयर. जैसे मैंने पहले बताया था, आप जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, जो कि मैं बोलूँगा आपको करना चाहिए, सबसे पहले आपको उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को. उसके बाद आपका जो भी गोल है, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे वो फाउंडेशन NTSC हो, चाहे वो नीट और एम्स हो, आप उस पर टिक कर दीजिए. उससे फ़ायदा आपको ये होगा, जो भी अपकमिंग कोर्सेज हैं आपके आने वाले, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. ठीक है, मान लेते हैं कोई बच्चा अगर कोई कोर्स ज्वाइन करता है जिसकी टोटल फीस है 48,000, अगर वो मेरा रेफरल कोड यूज़ करता ASSIRLIVE,
अगर वो यूज़ करता है तो उसको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो 48,000 की जगह आपको 43,200 रुपीस पे करना होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मंथली प्लान लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो सिक्स मतलब एक मंथ का प्लान हो, चाहे वो 3 मंथ का प्लान हो, या 6 मंथ का प्लान हो, 12 मंथ का प्लान हो, या फिर 24 मंथ का प्लान हो, ठीक है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मंथ्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पर मंथ कॉस्टिंग जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें एक मंथ के प्लान में 6,000 रुपीज़ पर मंथ है और 24 मंथ के प्लान में 2,000 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 8 मंथ की पर मंथ कॉस्टिंग पे करना है और उसमें आपको 24 मंथ अनअकैडमी प्लस पे पढ़ने को, उनके टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने को आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर कोई बच्चा 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान अगर ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, मैं जो सजेस्ट करूँगा क्लास 11th और 12th गोइंग बच्चों को, ठीक है, उनका जो पेबल फीस होगा दैट विल बी 30,000 रुपीज़ और 48,000 रुपीज़, ठीक है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो जो कि ASSIRLIV, अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। जो आपको पेबल अमाउंट होगा दैट विल बी 27,000 और 43,200 रुपीज़, ठीक है। अब हम आते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग में। एज सच ये 10th क्लास में मैं इसलिए इस चैप्टर को करवाता हूँ क्योंकि आप थोड़े बहुत लीनियर इक्वेशंस से, थोड़ा बहुत काउंटिंग वगैरह से थोड़ा फेमिलियर हो चुके होंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ 3 पर्सन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 ईयर, वॉट वुड बी द टोटल ऑफ देयर एजेस 4 ईयर बैक। तो बेटा 4 साल पहले तो ये भी ए माइनस फोर होगा, ये भी बी माइनस फोर होगा, ये भी कितना होगा सी माइनस फोर होगा। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 12, और हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 90, 90 माइनस 12 कितना होता है 78 ईयर्स होता है, कितना होता है 78 ईयर्स होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तीनों की ईयर दे रखी थी 4 साल पहले, तीनों 4 साल छोटे रहे होंगे, तो ए माइनस फोर प्लस बी माइनस फोर प्लस सी माइनस फोर, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन ए टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर वन, ठीक है। 5 लोग हैं तो मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए बेटा किस किस से इंटरेक्ट करेगा, किस किस के साथ खेलेगा, बी सी डी और ई के साथ खेलेगा, मतलब ए कितने गेम खेलेगा, 4 गेम खेलेगा, ठीक है। तो मैं अगर बी की बात करूं तो बेटा वो ए के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, ए के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, तो अब बचे कौन, सी डी और ई, तो कितने हो जाएंगे 3। अगर मैं सी की बात करूं तो ध्यान रखना ये ए और बी दोनों के साथ खेल चुका है, क्योंकि ए और सी तो गेम खेल चुके हैं, बी और सी भी गेम खेल चुके हैं, तो इसके लिए क्या ऑप्शन बचे, डी और ई, जो कि कितना हो गया 2। ऐसे मैं डी के लिए बात करूं तो ये ए के साथ खेलेगा सिर्फ, क्योंकि बाकी लोगों के साथ खेल चुके हैं, सी और डी हो गया, बी और डी हो गया, ए और डी हो गया, कितना हो गया 1। अगर मैं इन सबको सम कर दूं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि आंसर मेरा क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक। अगला देखिए एक बार फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मान लेता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ए टू एस, ठीक है, ये जो भी नाम दिया हुआ है अम्बटूसन हेट, मान लेता हूँ उसकी जो टिकट की कॉस्ट है वो एक्स है, और ए टू डी की कॉस्ट में मान लेता हूँ वाई है। अब आपको क्या क्या कह रहे हैं, 2 टिकट मतलब 2x रुपीज, और इधर कितने लिखी है उसने, 3 टिकट ली है, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। बट 3 टिकट्स फ्रॉम, तो मतलब 3x, एंड 2 टिकट्स फ्रॉम 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 73 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आर द फेयर्स एंड फॉर सिटीज सन हेड एंड देर आर फ्रॉम ए एम बी, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है,
तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि दोनों इक्वेशन को पहले माइनस कर देता हूँ। तो y माइनस एक्स का वैल्यू 2x में से 3x गया, माइनस एक्स हुआ 3y में से 2y गया, तो y बचा 77 माइनस 73 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4। तो अब ध्यान से देखिएगा इधर, अगर ये 4 आया तो मतलब कि दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 4 का होगा, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब y क्या था, a टू d का था, y क्या था, a टू d का था, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है 17 माइनस 13 4, तो ये ऑप्शन बी कैंसल आउट हो गया। अब अगर हमको एग्जैक्ट ये आंसर निकालना था तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक बार मैंने माइनस किया तो मेरे बचा वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड भी कर देता हूँ तो ये बनेगा बेटा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 150, और x प्लस y इज इक्वल टू कितना बन गया, 30 बन गया। कितना बन गया, 30। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो मेरे पास 4 है। अब मैं अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 34 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं अपने को पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, हमारे पास को अगर कोई एक वैल्यू आ जाए तो हम एक बार ऑप्शन पे एक बार नज़र मार लें तो हो सकता है उस ऑप्शन से हमारा आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। क्लियर हुआ, हमने ए टू एस के लिए टिकट की कॉस्टिंग मान ली x, ए टू डी के लिए मैंने मान ली y। जो कंडीशन दे रखी थी पहली कि 2x प्लस दो टिकट ए टू एस लिए, थ्री टिकट ए टू डी लिए, दोनों का उसने जो पे किया दैट इज 77। इन द सेम वे तीन टिकट उसने ए टू एस लिए, दो टिकट उसने ए टू डी लिए, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 77, 3x प्लस 2y इक्वल टू 73। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो y माइनस x इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो रही है कि y की वैल्यू ज़्यादा होगी, दूसरी चीज़ दोनों का डिफरेंस 4 होगा। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता तो आई थिंक मेरे सारे के सारे ऑप्शंस कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज़ का कि ज़्यादातर अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ज़्यादातर ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐड करोगे ना तो x प्लस वाई 30 आ रहा है, तो ये भी होगा ये भी होगा। अगर मैं यहाँ पे 16 भी दे देता ना, मान लो एक बार इन केस 16 मान लेता, तो भी आपके पास ऑप्शन सी हो जाता और आपको डिफरेंस करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करो ऐड सब्ट्रैक्ट करो, उससे एक या दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग ऑप्शन भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो बाय एडिंग देम, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, बुल्स आई ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड ए स्पोर्ट्स मीट फॉर इट्स ओन स्टूडेंट्स वेयर 1/5 ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ गर्ल्स एंड जी पार्टिसिपेट कितनों ने किया, जी बाय 5 ने किया। बॉयज़ में मान लेता हूँ बी पार्टिसिपेट कितने ने किया, बी बाय 8 ने किया। व्हाट वाज द टोटल फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड एक्चुअली टेकन पार्ट, पार्ट तो इतने लोगों ने लिया और ये कितने लोगों में से लिया इन्होंने, जी प्लस बी में से, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करूँ तो ये बनेगा 8g प्लस 5b अपॉन 40 टाइम्स जी प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज़ें कैंसिल आउट नहीं हो रही है मेरे से, ठीक है, क्योंकि मैं अगर जी की वैल्यू मान लो 1 लेता हूँ, बी की वैल्यू मैं मान लो 4 लेता हूँ, वॉट एवर जो भी मैं पॉसिबल केस लेता हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से मान लो ये जो रेशियो आ रहा है ये कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी एंड बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी चाहिए थी, या तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देते, एक पॉसिबल केस ये भी बन सकता है, बट उससे भी नहीं हो पाता शायद, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स, एक कंडीशन आपको और देनी चाहिए थी क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ए पाइनएप्पल विल बी 7 rupees ईच वेर ए वाटरमेलन विल बी कॉस्ट रुपीज 5 ईच। मान लेते हैं आपने एक्स पाइनएप्पल लिए, वाई वाटरमेलन लिए, तो यहाँ पे बनेगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 38, ठीक है। द नंबर ऑफ पाइनएप्पल, नंबर ऑफ पाइनएप्पल x का वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ 7x इज इक्वल टू 38 माइनस 5y। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 38 माइनस 5y बाई 7, ठीक है।
अब एक चीज ध्यान रखना, आपने नंबर लिए हैं, पाइनएप्पल्स लिए हैं, ठीक है, काउंटिंग कर रहे हो आप, तो ये नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता ना कि आप, मैं किसी से पूछूं आपके घर में कितने लोग हैं, तो कोई बोले 2.5 लोग हैं, 2.5 लोग हैं, तो हाफ कौन है? दैट डजेंट, मतलब कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पाइनएप्पल आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा, अदरवाइज कुछ और नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है वो 38 माइनस 5 को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ कि 7 इज फैक्टर ऑफ 38 माइनस 5y। और ध्यान रखना y भी एक इंटीजर है, y भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। आई बात समझ में? तो मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसका मल्टीपल होगा। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से 38 माइनस 5y के मल्टीपल्स काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 7 के मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7 होगा, तो मे बी ये 7 हो जाए, मे बी ये 7 हो जाए, मे बी ये 14 हो जाए, मे बी ये 21 हो जाए, या फिर ये 28 भी हो सकता है, वॉट एवर, जो भी पॉसिबल केस बन सकता है, या फिर ये 35 भी हो, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बनेगा 38 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5y, पहला केस। 38 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 5y, दूसरा केस। तीसरा केस क्या बनेगा? 38 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 5y। चौथा केस क्या बनेगा? 38 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 5y। यहाँ पे ध्यान से देखो, 38 माइनस 7 किया तो आया 31, बट वो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा। 38 माइनस 14 किया तो आया 24, यहाँ से भी कोई आंसर नहीं आएगा। 38 माइनस 21 किया तो यहाँ से आया 17, यहाँ से भी नहीं आएगा आंसर, यहाँ से आ रहा है, क्योंकि 38 माइनस 28 कितना होता है बेटा? 10 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अब जैसे मैं वाई का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा? 38 माइनस 10 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 4। कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ठीक है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। मान लेता हूँ नंबर ऑफ पाइनएप्पल मैंने लिए एक्स, नंबर ऑफ वाटर मेलन मैंने लिए वाई, इसकी रेट है 7, तो 7x रेट बनी, 5y रेट बनी, इक्वल टू 38, ठीक है। आपको पूछा गया नंबर ऑफ पाइनएप्पल, तो नंबर ऑफ पाइनएप्पल आपने कितने लिए थे? एक्स लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 7x इक्वल टू 38 माइनस 5y, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 38 माइनस 5y अपॉन 7। अब हमारे पास कंडीशन ये बन रही है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर कब होगा? जब ये वाला पार्ट इससे डिवाइड हो जाए 7 से। मतलब ये लिख सकता हूँ कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ 38 माइनस 5y, मतलब 38 माइनस 5y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल बन सकती है, 7 के मल्टीपल कौन कौन है? खुद 7, 14, 21, 28, 35, 42। आप जाना चाहो आगे जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने, अगर मान लो ये पहला केस लिया इक्वल टू 7, तो 5y उधर जाएगा, 7 इधर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 38 माइनस 7 इक्वल टू 5y, 38 माइनस 14 इक्वल टू 5y, 38 माइनस 21 इक्वल टू 5y, 38 माइनस 28 इक्वल टू 5y। इन तीन केस से y की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, क्योंकि y भी तो एक इंटीजर था, नंबर ऑफ वाटरमेलन है ना वो, तो ठीक है। तो इन केस से y की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, तो बचा क्या? 38 माइनस 28 जो कि 10 होता है, तो y का वैल्यू कितना है? 2। तो जो y का वैल्यू 2 है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 5 to 10, 38 माइनस 10 28, 28 अपॉन 7 कितना होता है? 4 होता है, कितना होता है? 4। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या था? सी था, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, हम कर सकते हैं। ध्यान रखना काउंटिंग का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो क्या प्रॉब्लम है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए, कंडीशन बनाइए एंड सॉल्व कीजिए।
समझ में कंडीशन क्या है, देखते हैं। निखिल सेज इफ यू रिवर्स द डिजिट इन माय एज, ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है ये टू डिजिट एज का होगा। मान लेते हैं इसकी एज है इसकी निखिल की, निखिल की जो एज है वो है एक्स वाई ईयर्स। एक्स वाई ईयर को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। द नंबर दैट यू विल ऑब्टेन विल बी सलील एज, ठीक है, तो सलील की एज कितनी हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, टेन वाई प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सलील इज ओल्डर देन मी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सलील है ये इसे बड़ा है, तो टेन वाई प्लस एक्स, टेन एक्स प्लस वाई, एंड द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ मी एंड सलील विल बी वन इलेवेंथ, कितना होगा वन इलेवेंथ, किसका वन इलेवेंथ होगा, हमारी दोनों की एज का सम को होगा, ठीक है। तो दोनों की एज का सम अगर मैं करूँ तो टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन वाई प्लस एक्स, ठीक। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो नाइन टाइम्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, नाइन टाइम्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई इलेवन, इलेवन एक्स प्लस इलेवन वाई, जो कि किसके इक्वल आ गया बेटा, x प्लस वाई, क्योंकि 11 कॉमन ले लो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से बना 8y इज इक्वल्स टू 10x, पक्का 8y इज इक्वल्स टू 10x बना, तो ये बना 4y इज इक्वल्स टू 5x। और यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, 4 इंटू वाई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एक्स, लिख सकता हूँ यहाँ पे ये चीज़ में, पक्का ना, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बन सकता है। अब यहाँ पे जो एक्स वाई उसकी एज थी, तो यहाँ पे एक कंडीशन थी कि x और y सिंगल डिजिट्स है, क्या है, सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आ रहा है वो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, x का जो वैल्यू है वो आ रहा है 4 इंटू वाई अपॉन 5। पहली चीज़ तो y भी एक सिंगल डिजिट होगा, दूसरी चीज़ ये जो नंबर है 4 इंटू वाई अपॉन 5 ये भी एक डिजिट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, डिजिट बनना चाहिए, क्यों, ठीक है। अच्छा डिजिट बनना चाहिए, चलो वो तो ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बनेगा कब, जब जब y 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 4 तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये कब बनेगा, जब y 5 से डिवाइड हो जाए, और y 5 से डिवाइड कब हो जाएगा, जब y 5 का मल्टीपल है और y सिंगल डिजिट भी है, तो एक ही ओनली पॉसिबल वैल्यू है जो कि 5 है, क्योंकि 10 हो जाएगा तो डबल डिजिट हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और उसी हिसाब से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो अब क्या लिख रहा है, द एज ऑफ निखिल इज, तो एक्स वाई था मतलब कितना हो जाएगा 45 ईयर, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मान लिया मैंने उसकी एज है एक्स वाई, अच्छा ये क्या लिखा है मैंने पता आप लोगों को, मतलब 23 है, तो 23 को मैं 2 इंटू 10 प्लस 3 भी तो लिख सकता हूँ ना, उसी फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो सलील की एज कितनी हो जाएगी, रिवर्स कर दिया उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू 1/11 ऑफ सम, फिर कंडीशन बनी, ये कंडीशन निकल के आई, ये डिजिट होना चाहिए, तो वाई की वैल्यू 5 ही पॉसिबल है, तो आंसर कितना आ जाएगा 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अगला देखो, बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट कीजिए आप। टोटल कितने रुपए हैं, 120 है, सब डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी एक्स रुपीज, सॉरी एक्स नॉट है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अगर मैं एक्स को 1 रुपीज लूँ तो एक्स रुपीज हुए, अगर 5 रुपीज के मेरे पास एक्स नोट्स हैं या कॉइन्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। अगर 10 रुपीज के कॉइन मेरे पास एक्स हैं तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे, और टोटल अमाउंट कितना है, 320 है, 5, 10, 15, 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है, ठीक है।
पर टोटल मेरे पास कॉइन्स कितने थे, एक्स प्लस एक्स कितने थे, एक्स प्लस एक्स जो कि थे 3x के इक्वल। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 3 × 20 जो कि होता है 60 के इक्वल, किसके इक्वल होता है 60 के इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। फटाक से कीजिए, बहुत ही इजी है। आंसर इज 0। क्यों, क्योंकि नंबर डायल पे एक नंबर 0 होता है, और 0 × anything 0। हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर शायद ऑप्शन बी या सी आया होगा, या फिर आएगा शायद, ठीक है। तो ध्यान रखना नंबर डायल पे कितने नंबर्स होते हैं, 0 भी होता है, तो 0 × anything 0। चलो इसको मैं एक बार बाद में देखता हूँ, पहले आगे चलते हैं। ठीक है, तो टाइगर्स एंड स्पैरोज हैं, टोटल 70 है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 70 होगी। ठीक है, लेग्स काउंट करने, तो ऑब्वियसली बात है टाइगर के कितने लेग्स होते हैं, 4, 4 × s, कोई लंगड़ा वंगड़ा नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, स्पैरोज के कितने लेग होते हैं, 2 होते हैं, तो 2y = 2, टोटल कितने हो गए, 210 हो गए। ठीक है, उस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, 2x + 2y = 140। दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x = 70, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35। जब x का वैल्यू भी 35 आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो आंसर क्या बोला गया, हाउ मैनी स्पैरोज आर देयर, वैसे दोनों ही चीज़ें 35 थी। ठीक है, मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ चीज़ें दे रखी थी, हेड्स ऑब्वियसली बात है हर का एक ही सर होगा, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। टाइगर के जो लेग्स हैं वो 4 होंगे, ठीक है, और स्पैरो के जो लेग्स हैं वो 2 होंगे, तो एक्स टाइगर, तो x × 4 = 4x, 2 × y = 2y, तो 4x + 2y = 210। पहले वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो 2x + 2y = 240, दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया, तो 2x का वैल्यू 70 आ गया, x का वैल्यू 35। जब x का वैल्यू 35 तो y का वैल्यू भी कितना आएगा, 35 आएगा। अगला देखिए, बहुत ही इजी है, देखो मान लेते हैं एक्स क्वेश्चन आपने सही किए, वाई क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए, तो दोनों का सम तो 60 ही दे रखा है, जैसा उसने बोला है। हर एक सही क्वेश्चन पे अगर 4 मार्क्स मिलते हैं, ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन पे अगर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, तो एक्स क्वेश्चन सही करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 4x। हर क्वेश्चन पे गलत करने पर अगर आपको 1 मार्क डिडक्ट होता है, तो वाई क्वेश्चन करने पे कितने होंगे, -y, और टोटल उसने कितने मार्क्स सिक्योर किए, क्योंकि जितने स्कोर किए उतने लूज किए, तो टोटल कितने हो गए, 130। दोनों इक्वेशन को साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं ऐड करूंगा तो 5x = 190 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 38। तो मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्टेड करेक्टली कितने थे, 38 थे। ठीक है, अगला देखो, देखे मतलब वो क्या कर रहा है, अगर तीन तीन का पैक बना रहे हैं, तीन तीन का पैक अगर वो बना रहे हैं,
तो एक आखिरी में बच रहा है, ठीक है, और सेवन का पैक बनाए तो सारे के सारे कोई भी नहीं बचा लास्ट में, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हो सेवन के मल्टीपल होने चाहिए। ध्यान से देखो, ऑप्शन ए और सी और डी सेवन के मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल बी आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसको पूरा सोल्व करना होगा, वैसे मोर देन वन आंसर पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मान लो, अगर मान लो इन केस एक ऐसा ऑप्शन और हमें दे देता 308, ये भी अगर आ जाता, ठीक है, तो वो मैं इस ये जो कंडीशन दे रही है ना, इनसे मैं उनको सोल्व करता, ठीक है। कैसे? क्योंकि थ्री को पैक करने के बाद एक बच रहा है, कितना बच रहा है, एक, तो मतलब कि थ्री से अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बनाना चाहिए था, फिर फोर से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर बनाना चाहिए था, फाइव से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर वन, सिक्स से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर वन आना चाहिए था। अगर मान लो ऑप्शन 308 होता भी, तो अगर आप इसको थ्री से डिवाइड करते ना तो रिमाइंडर टू आता, तो भी ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता, तो आंसर क्या बचता, ओनली ऑप्शन बी ही बचता। देखें, इसमें एक चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है, पैंतालीस कट कर रहा है तो आपने पता नहीं क्या किया होगा, हाउ मैनी रोल्स वुड यू बी गेट इन 24 मिनट। ध्यान से देखना, पहला कट किया, दूसरा कट किया, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट, छठा कट, सातवा, आठवा, नौवा, ठीक है, 10 पीसेस। ध्यान से रख देखना, अगर मैं इस पीस पे अगर तो द 9 इक्वल पीस करता हूँ, तो ये टोटल 10 पीस के अंदर डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको ये मत कंफ्यूज कर लेना कि 10 पीसेस के लिए आपको 10 कट लगाने जरूरी हैं, पड़ेंगे, ठीक है। 10 कट लगाने के लिए मेरा काम सिर्फ और सिर्फ 9 पीस के अंदर भी हो चुका है। कितने में हो चुका है? 9 पीस में हो चुका है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट्स ए मिनट, ठीक है, 45 कट्स ए मिनट, तो एक पीस, सॉरी, एक पूरा जो थान थर लाइक जो भी रोल है उसमें अगर वो 9 कट कर रहा है एक रोल में, ठीक है, और उसने कितने कट लगा दिए, 45 कट लगा दिए, तो मतलब उसने कितने रोल कंप्लीट कर लिए, 5 रोल इन ए मिनट, ठीक है। तो 24 में कितना हो जाएगा, 24 × 5 = 120 रोल्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही सोचने का था कि आपको 10 पीस करने के लिए 10 कट की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 पीस 9 कट के अंदर भी हो जाएंगे, जैसे पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, या देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीस हो चुके हैं। आई बात समझ में? तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हम जल्दबाजी में इस टाइप के क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। अगला देखो, ठीक है, ओके, मान लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 3:2 है, बॉयज टू गर्ल्स 3:2 है, मान लेते हैं बॉयज 3x है तो गर्ल्स 2x होंगे। अगर बॉयज 15 हैं, पार्टिसिपेट 15 कर रहे हैं, तो गर्ल्स कितने करेंगे, 10 करेंगे, तो टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 25 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 25 का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉट पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, नॉट पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, फटाफट बोलिए,
35 कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं 35 कर रहे हैं। ठीक, देखो टोटल 60 थे, 25 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 35 क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब क्या करें, द नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज नॉट पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, मान लेते हैं ए बॉयज जो है नॉट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, उससे ज्यादा होंगी, तो ए प्लस 5 गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो अब दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, ए ए प्लस 5 इज इक्वल टू 35, तो यहां से हो जाएगा 2a इक्वल टू 30, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। पूछा क्या गया, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, अगर a का वैल्यू 15 हो गया जो बॉयज था, तो गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, 20 तो गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, और 10 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आंसर इज 30, कितना आ जाएगा बेटा 30। ठीक है, क्या क्या आपको जो रेशियो दिया गया था पार्टिसिपेटिंग का वो मैंने कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे फिर मैंने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स जो भी हैं कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, नहीं कर रहे 35, कितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ए, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी ए प्लस 5 जो कि हमको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इन दोनों का सम कितना है 35 है, तो 2a का वैल्यू 30, तो a का वैल्यू 15, a का वैल्यू 15 जो कि बॉयज है, तो a प्लस 5 गर्ल्स हो जाएंगे, तो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, ध्यान से देखिएगा इस प्रॉब्लम को। ठीक है, मैं बात करता हूँ 0 to 9, 10 to 19, ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 to 9900। ठीक है, हर बार 3 एक बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी बार आएगा 10, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट पे कितनी बार आएगा 10, बट 32, 39 में हमेशा 3 10 डिजिट के ऊपर भी आया है, और 32, 39 में कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर हैं, तो 10 बार यहाँ पे रिपीट हुआ, 10 बार पहले आया, तो आंसर कितना हो जाएगा सिंपल 20 हो जाएगा। तो सिंपल काउंटिंग थी, आपको देखना 0 से 9 में 3 आ रहा है बिल्कुल, एक बार 10 टू 19 में 13 में आएगा, 22, 29 में 23, तो हर 10 नंबर में एक बार 10 आ रहा है, तो ऐसे कितनी बार आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, बट 32, 39 के अंदर ये 10 डिजिट पे भी होगा। अब उसको काउंट मत कर लेना दो बार 33 को कि दो बार आया, नहीं, 3 को मैं पहले काउंट कर चुका हूं। ठीक है, ये भी अच्छा है, प्रॉब्लम है, आंसर इज, फटाफट सोचिए। देखे स्क्वायर प्लॉट है, फेंस लगा रहे, 27 इधर 27 इधर 27 इधर 27 इधर, ठीक है, तो टोटल हो जाएंगी 108, कितनी हो जाएंगी 108, बट ध्यान रखना ये वाली जो फेंस है, ठीक है, ये इसमें भी काउंट हुआ है और इधर भी काउंट हुआ है, मतलब ये दो बार काउंट हो गया, तो माइनस वन कर दो, इसको भी देखो ये भी दो बार काउंट हुआ है, ये भी दो बार काउंट हुआ है, ये भी दो बार काउंट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा -1, -1, -1, -1, -1, ये चार बार एक बार माइनस वन कर दो, तो आंसर आएगा 104। ध्यान रखना जो कॉर्नर वाला फेंस है, कॉर्नर वाली जो चीज़ है वो दो लाइन के अंदर काउंट हो रही है, दो लाइन के अंदर काउंट हो रही है, ठीक है, दो बार काउंट हो रही है, तो इसलिए हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो,
ठीक है, ये हो गया। तो हॉर्सेस तो जमीन पे ही चल रहे हैं, हॉर्सेस तो जमीन पे ही चल रहे हैं, तो 4x प्लस यही हुआ ना, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेस बैक वाइल द रिमेनिंग वन आर वॉकिंग अलोंग लीडिंग देयर हॉर्सेस इफ द नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। तो हॉर्स के तो फोर लेग होंगे तो x होंगे, बट मैंस में से आधे तो ऊपर है, बचे कितने x बाई टू, और उनमें से भी सबके दो दो लेग इज इक्वल टू 70, तो 2 से 2 क्या, तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x का वैल्यू 14 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हो जाएंगे 14, नंबर ऑफ मैंस भी कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सिंपल हॉर्सेस x, मैन x, x हो गए, तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हॉर्सेस 4x। अब आउट ऑफ x जो है x बाई टू तो राइडिंग पे कर रहे हैं ना, ऊपर हैं, तो उनके तो लेग तो जमीन पे है ही नहीं, तो x बाई टू के ही लेग जमीन पे है, और हर इंसान के हिसाब से दो, 2 × 2 गया, 4x प्लस x इक्वल 70, 5x इक्वल 70, तो x की वैल्यू 14, ठीक है। अगला देखो, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज 11, ठीक है। मान लेते हैं ये नंबर ए बी है, तो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 11 हो गया, ठीक है। अब ये क्या करें, ध्यान से देखना, ये जो नंबर है इसकी वैल्यू तो यही होगी ना, ये इंटू बी नहीं है, ये एक टू डिजिट नंबर है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 32 है, 32 का मतलब 3 × 2 नहीं होता, 32 का मतलब होता है 3 × 10 + 2, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब इफ 27 इज एडेड, अगर मैं यहाँ पे 27 ऐड कर दूँ, देन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो ए बी की जगह ये बी ए बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, तो क्या लिख दूंगा उसको मैं 10b + a, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 9a - 9b + 27 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा a - b इज इक्वल्स टू -3, 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, और हमारे पास एक इक्वेशन और थी, क्या थी वो, a + b इज इक्वल्स टू 11, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2a का जो वैल्यू है वो 8 आएगा, तो a का वैल्यू कितना आएगा 4, जब a का वैल्यू 4 आया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो नंबर कौन सा आ जाएगा 47। चेक करो क्या 27 ऐड करने पे 74 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शंस हो तो आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वन बाई वन ऑप्शन चेक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब एक प्रॉब्लम मैंने बीच में छोड़ी थी, उसको अपन एक फटाफट से देख लेते हैं, आप फटाफट उसका आंसर बताइएगा कि टोटल 256 प्लेयर्स हैं, डिसाइड टू प्ले बैडमिंटन गेम, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द टूर्नामेंट इज दैट इफ अ प्लेयर लूज अ गेम ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, ऑन सो देर इज नो टाई, टाई भी नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजर हैव टू कंडक्ट व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ गेम्स इन ऑर्डर टू डिसाइड द विनर। तो आपने अगर ग्रैंड स्लैम वगैरह देखे हों, ठीक है, तो जो भी टूर्नामेंट होते हैं नॉकआउट होते हैं, क्या होते हैं, नॉकआउट राउंड, ठीक है। नॉकआउट मतलब आप हारे तो बाहर, ठीक है। आपने अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन सुना है, फ्रेंच ओपन सुना है, ठीक है, उस टाइप का एक टूर्नामेंट है, आप हारे तो बाहर। फटाफट से इसका आंसर करके बताइए। ओके, देखते हैं, 256 है, ठीक है, इनको मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ, 128, ठीक है। इनको अगर मैं आपस में फाइट करवाता हूँ तो 128 प्लेयर्स बाहर, कितने बाहर हो गए, 128 प्लेयर्स बाहर हो गए, तो हर मैच के लिए मुझे टोटल मैच चाहिए 128, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मैं 64 करूँगा, इनको क्या करूँगा, 64 करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मुझे कितने मैच चाहिए, 64 प्लेयर ये भी बाहर हो गए, ये भी बाहर हो गए, अब बचे कितने, 64, इन 64 को फर्दर मैं डिवाइड करूँगा
32 में, ठीक है, 32 मैच और चाहिए मेरे को, तो अब कितने प्लेयर बचे, 32, इन 32 को मैं डिवाइड करूँगा 16 में, कितने मैच चाहिए मुझे, 16 चाहिए, तो ये लोग भी बाहर हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से एक पैटर्न बन रहा है, जस्ट हाफ हाफ होता जा रहा है, ठीक है, 16, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 2, और लास्ट में जो फाइनल होगा, इन सबको मैं ऐड करूँगा, आंसर विल बी 255, दैट्स इट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरी चीज, अब एक चीज सोचिएगा, इसको इतना करने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। कितना विनर, कितने लोग विनर होंगे, एक होगा, कितने होंगे विनर, तो एक ही होगा। कंडीशन क्या है कि जो प्लेयर हारा टूर्नामेंट से बाहर होगा, टूर्नामेंट से बाहर होगा, ठीक है। अगर इसको विनर बनना है तो कितने प्लेयर्स को आउट करना होगा, कितने प्लेयर्स आउट होंगे, 255, और हर प्लेयर्स के साथ एक आउट कितने मैच से होगा, एक मैच से आउट होगा, एक ही तो मैच से आउट होगा, एक प्लेयर एक गेम आउट कर रहा है, तो 255 प्लेयर को आउट करना है, तो कितने मैच चाहिएंगे आपको, 255, सोचना ही नहीं था उतना, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन आप दबाइएगा, इससे आपको जो भी कोर्सेज और अपडेट्स अगर होंगी चैनल पे, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते ही रहेंगे, ठीक है। ओके, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा ASSIRLIVE, और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।